नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनाले में स्वागत है। विभिन्न विद्यार्थियों की बढ़ती हुई डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर आए हैं, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व पर लेक्चर लेकर आए हैं। इसके तहत आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व से। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, जो भारतीय संविधान में लिया गया है, या आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के नीति निदेशक तत्वों का जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में देखने को मिलता है। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं? राज्य के नीति और कार्य क्रियान्वयन के लिए एक मार्गदर्शन के रूप कार्य करते हैं। अर्थात ये कह सके राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है एक सोशल सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम स्टेब्लिश करने का काम करते हैं। देश के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा सुनिश्चित करने के लिए राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि राज्य को देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय न्याय स्थापित करने के लिए डेमोक्रेटिक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक सिस्टम या कंट्री स्थापित करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, उसके दिशा में क्या करता है, एक प्रकार का गाइडेंस या दिशा निर्देश देने का कार्य करता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में यह बताया गया है कि राज्य के नीति 36 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक को तत्वों को क्रियान्वित कराने वाले बॉडी अर्थात पालक के विषय में बताया गया है, यानी स्टेट के विषय में बताया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी जो होगी वह स्टेट होगी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हम समझ लेते हैं कि आज के, क्योंकि 36 में जो है उसकी परिभाषा बताई गई है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होता है वह सामाजिक आर्थिक न्याय न्याय की दिशा में जो किए जाने वाले अच्छे कार्यों को जो है कार्यों का समावेश होता है, जिसे जिसकी जिस जिसको लागू कराना जो है एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। अब उसके बाद जो है अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत जो है स्टेट और सी-स्टेट के मैकेनिज्म आते हैं। राज्य का अर्थ वही बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में। राज्य का अर्थ वही बताया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अरे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में बताया गया, अर्थात फंडामेंटल राइट के राइट में बताया गया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 में बताया गया, जिसमें जो है राज्य को जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद सरकार, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थायी जो है गवर्नमेंट होती है, अन्य जो है लोकल लोकल अथॉरिटी, और भारत सरकार द्वारा जो वित्त पोषित जो संस्थाएं होती हैं उसको स्टेट के रूप में जो है दिखाया गया है या बताया गया है कि भारत जो है सरकार राज्य क्या होगा, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जो है इम्प्लीमेंट कराने का कार्य करेगा। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को इम्प्लीमेंट नहीं कराता है तो कराने वाली बॉडी जो होगी वह कौन जो बॉडी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसमें जो आती है केंद्र सरकारें आती हैं, राज्य सरकारें आती हैं, लोकल गवर्नमेंट आती है। इसके अलावा जो होते हैं भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाएं होती हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, अब अनुच्छेद 36 पर आते हैं, 37 पर आते हैं, 36 खत्म हो गया। तो अनुच्छेद 36 में यह बताया गया कि जो न्यायालय होगा, जो न्यायालय होगा राज्य के नीतिशील तत्व जो होंगे वह न्याय योग्य नहीं होंगे, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन लेकिन भारतीय संविधान में जो है कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके वजह से राज्य जो है अपनी नीति या नियमों या कार्यक्रमों में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य होता है। तो अनुच्छेद जो है 65 के तहत 365 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है अगर राज्य सरकार जो है राज्य के नीति निर्देश तत्वों को अपने नीतियों कार्यक्रमों में वरीयता नहीं देती है तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उसको निर्देश जारी कर सकती है कि आपने जो नीति निर्देश तत्वों को जो है प्राथमिकता नहीं दिया है। ठीक, फिर उसके बाद जो है 356 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मशीनरी
अर्थात संविधान के अनुकूल जो है शासन न चलने के कारण राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस प्रकार इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से जो है केंद्र सरकार जो है क्या कर सकती है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, नीतियों को जो है राज्य के नीति से निर्धारित तत्वों को जो है लागू करवाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब इसके बाद हम सुविधा की दृष्टि से भारतीय संविधान में जो है सुविधा की दृष्टि से राज्य की नीति निर्देश तत्वों को जो है, वैसे तो अनुच्छेद वाई जो है 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देश तत्वों को बताया गया, लेकिन हम यहाँ सुविधा की दृष्टि से उनको 3 भागों में जो है डिवाइड करते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, क्योंकि जो ये राज्य के नीति से तत्व देखने को मिलते हैं इनमें तीन तीन प्रकार के आइडियोलॉजी के जो है गुणों का समावेश देखने को मिलता है। इन्हीं गुणों के आधार पर हम जो है राज्य के नीति से निर्देशक तत्वों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो भाग 38 में जो है इससे शुरू करते हैं। भाग 38 में जो है वह क्या किया गया है, आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में यह समाजवादी तत्व है। समाजवादी तत्व में क्या होता है कि राज्य जो होते हैं वह क्या करता है, जो संसाधन जो होते हैं भौतिक संसाधन जो होते हैं उस पर क्या होता है, स्टेट का जो होता है वो डोमिनेंस होता है। जो जो रिसोर्स होते हैं समाज के, जो जो संसाधन होते हैं उस पर क्या होता है, जो संसाधन होते हैं भौतिक संसाधन होते हैं उस पर क्या होता है, राज्य का एकाधिकार होता है या अधिकार होता है, ठीक, या कंट्रोल होता है कि वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक। समाज के संसाधनों पर जब जो है राज्य का या समाज का अधिकार होता है तो ऐसी ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था के रूप में समझते हैं। तो समाजवादी तत्वों की जो है झलक जो हमें अनुच्छेद 38 में देखने को मिलती है। इसमें आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की जाती है। आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की जाती है। समाज में समानता और न्याय की स्थापना की बात की जा रही है, ठीक। अब इसके तो ये की जा रही है। आप इधर देखते हैं कि अनुच्छेद 38 में भी समाजवादी तत्वों की प्रधानता मिलती है। अनुच्छेद 38 में तो मिलती है, 38 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 39 में भी जो है समाजवादी तत्वों की प्रधानता मिलती है। इनमें कुल 5 तरह के तत्वों का जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में जो है शामिल किया गया है। सभी नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन पर जो है वह मुहैया कराना, या अधिकार होना, पर्याप्त जीविका के जो अधिकार होना जो है अनुच्छेद जो है 39 में निहित है। सामूहिक हितों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, सम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, समान डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद धन उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना अर्थात केंद्रीकरण रोकना, किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष में जो है धन का जो है वह केंद्रीकरण के रोकने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने का कार्य जो है करना, ठीक। ये जो है कुछ प्रोविजन है, ठीक। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 39 में कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति एवं बालकों के अव्यवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर सुनिश्चित करना, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, ये कुछ प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में भी समाजवादी तत्वों की जो है झलक देखने को मिलती है, जिसमें समाज समान न्याय, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रावधान देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में भी समाजवादी तत्वों की जो है प्रतिबिंब देखने को मिलती है, जिनमें काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार,
बुढ़ापे में बीमारी हो, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 में भी समाजवादी तत्वों की जो है झलक देखने को मिलती है, जिसमें काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा एवं उस्फूर्ति में सहायता की बात की गई है। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, ऐसी दशा में वह कार्य नहीं कर पाएगी, तो उस दशा में उसको जो है अवकाश देने का प्रावधान, एवं अन्य जैसे कोई जो है व्यक्ति जो है वह जो है घायल हो गया है, वह कार्य नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में मानवीय चित्त जो है व्यवहार करने का जो है प्रावधान आर्टिकल जो है 42 में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में भी समाजवादी तत्वों की जो है प्रतिबिंब देखने मिलती है, जिसमें कहा गया कि सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी दी जाएगी, शिष्ट जीवन स्तर एवं सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 43 क, अर्थ जिसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए कदम उठाया गया है, अनुच्छेद 43 क में यह कहा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 47 में भी समाजवादी तत्वों की जो है झलक देखने को मिलती है, जिसमें पुरुषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य को सुधारना जैसे तत्व जो है वो समाहित होते हैं। के बाद भारतीय संविधान में जो है गांधीवादी तत्वों की भी झलक देखने को मिलती है, जिसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है गांधीवादी जो है तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसका मेन पर्पज यह है कि स्वशासन के लिए लोगों को प्रेरित करना और स्वशासन का की दिशा में जो है प्रयास करना है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 43 में भी गांधीवादी तत्वों की प्रधानता मिलती है, जिसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, सहकारी उद्योग के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, और अनुच्छेद 43 B में जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन का बात किया गया है 39 B में। उसके अलावा अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक शैक्षणिक प्रोत्साहन, अन्याय और शोषण से सुरक्षा के संबंधित जो है वह बात जो देखने को मिलती है अनुच्छेद 46 में, उनमें गांधीवादी तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने जो है भारतीय संविधान में विभिन्न जो है सामाजिक विभिन्न जो आदर्श आदर्श रहे, उन आदर्शों का समावेश किया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जिनमें गांधीवादी तत्व भी शामिल है। गांधीवादी जो फिलॉसफी है उसके अंतर्गत आने वाले तत्व हैं उनको भी समावेशित किया गया है। समाजवादी तत्वों के अंतर्गत आने वाले जो जो फिलॉसफी है या अच्छाई अच्छी बातें हैं उनको समावेशित किया गया है, जो एक राज्य को करना चाहिए उन उन बातों को जो है समावेशित किया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 में भी स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीले पदार्थ है, मदिरा है, ड्रग है, औषधि है, उनके प्रयोग प्रतिबंध लगाने की बात की। गांधी जी शुरू से जो है मांस मदिरा के जो है कट्टर विरोधी थे, इसलिए उन्हीं के जो है तत्वों को समावेशित कर किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में। गांधी जी जो है गाय, बछड़ों, दुधारी पशुओं के बलि जो है क्या करते थे, पोषण करते थे, इसलिए उनके बलि और नस्लों के सुधार का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। गांधी जी जो है वह मानते थे कि औद्योगिकरण जो है भारत को क्या कर देता है, बड़े स्तर पर जो है उद्योगों को नष्ट कर सकता है, इसमें जो है उद्योगों को भ्रष्ट कर देता है, उद्योगों को नष्ट कर सकता है, और इससे क्या होगा कि अंधाधुंध जो है औद्योगिकरण बढ़ने लगेगा। इसलिए गांधी जो है चरखा चलाते थे, चरखे के माध्यम से कुटीर उद्योग को जो है एक बढ़ावा देने का जो है सिंबल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो भारतीय संविधान में जो है उच्च गुण को अर्थात अनुच्छेद 43 को भी शामिल किया गया है। इसके बाद हम आते हैं उदारवादी तत्वों पर। भारतीय संविधान में जो सम्मिलित है उदारवादी तत्व,
जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण पर मेनली फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक, इसका मेन फोकस इसी पर होता है। ये ओपन ओपन सोसाइटी या ओपन मार्केट की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, ऐसे प्रकार के तत्वों को जो है बौद्धिकता की बात करता है, रैशनैलिटी की बात करता है, ठीक। तो उदारवादी तत्वों की जो भी है प्रबलता देखने को मिलती है भारतीय संविधान की के जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के जो है नीति निदेशक तत्वों में। तो भारत में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले जो नागरिक होंगे उनके लिए एक समान सिविल संहिता का जो है प्रबंध करने का जो है विचार जो है वो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। इसके इसके बाद जो है उदारवादी तत्वों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में भी उसकी प्रतिबिंब देखने को मिलती है, जहाँ सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान शामिल किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन के लिए जो है औद्योगिक और वैज्ञानिक जो है सोच और प्रणाली का यूज करने संबंधी जो प्रावधान जोड़ा गया है भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में, वो भी उदारवादी सोच से ही प्रेरित। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A जो जोड़ा गया है पर्यावरण के संरक्षण संबंधी, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की जो बात की गई है, यह भी जो है वह क्या है वह यह भी जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है, यह भी जो उदारवादी तत्व जो है उसकी ही एक झलक को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों के संरक्षण के जो प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, वो भी जो है उदारवादी तत्वों की झलक पेश करता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 50 पर, उसमें हम देखते हैं शक्ति के पृथककरण की बात की गई है, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथककरण की बात की गई है, अर्थात लिबर्टी की बात की गई है। तो वो जो है भारतीय संविधान के उदारवादी तत्वों में ही उसकी झलक देखने को मिलती है। विश्व की जो है ये शांति। अब उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि अनुच्छेद 51 में जो है विश्व में जो है शांति एवं सद्भावना की बात जो है वो शामिल की गई है भारतीय संविधान को, जो 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के जो अभिवृद्धि करने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो निपटारा शांतिपूर्ण निपटारा करने की जो बात है वो उसकी झलक वो जो है हमें जो है मेनली जो है उदारवादी तत्व देखने को मिलती है। तो इस प्रकार उदारवादी में ही झलकता है। अब इसके बाद हम भारतीय संविधान की में इसकी तो हमने चर्चा कर ली हम विस्तृत रूप से कि भारतीय संविधान जो है कुल जो है कितने से कितने जो है राज्य के नीति तत्व जो है वो शामिल है। अब इसके बाद जो है विभिन्न संशोधनों द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो जो जोड़े गए हैं कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं उनकी भी चर्चा कर ले, जो समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है गरीबों को मुक्त गरीबों के लिए पहला जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में जो है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना 39 में किया गया है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, गरीबों को मुक्त मुफ्त मदद देने का जो है प्रावधान जो है या आर्थिक सहायता जो है वह जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान जो है 43 से जो है भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्वों में कुल 4 प्रावधान जोड़े गए थे, जिनमें मुक्त गरीबी सहायता और उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान 43A, पर्यावरण के संरक्षण सुधार संबंधी जो प्रावधान 48A जो जोड़ा गया, ठीक।
उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान में 48, भारतीय संविधान में जो है 44वें संवैधानिक संशोधन 1919 जो है 77 द्वारा, जो नहीं 1978 द्वारा, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई, 1978 द्वारा आर्थिक असमानता एवं समूहों के बीच में जो बढ़ती हुई असमानता की खाई है उसको खत्म करने के लिए करने का जो है पहल किया गया और संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया, ऐसा प्रावधान जो है राज्य नीति निर्देशक के अनुच्छेद जो है 38 में जोड़ा गया। उसके बाद हम इधर देखते हैं कि 46वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो पहले कुछ प्रावधान जो थे अनुच्छेद 145 में उसमें बदलाव किया गया और 21 में प्राथमिक शिक्षा को जोड़ दिया गया। ठीक, तो प्रारंभिक शिक्षा को जो है क्या बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया मौलिक अधिकार के क्षेत्र में। ठीक, और जो ये देखते हैं इसमें जो था अनुच्छेद 45 में जो शिक्षा संबंधी कुछ प्रावधान थे उसमें कुछ फेरबदल किया गया। उसके बाद हम आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों संबंधी जो विभिन्न विवाद रहे जो समय समय पर उठते रहे कि हम अगर किन्हीं परिस्थितियों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जो विवाद होता है तो इस परिस्थिति में हम किसको वरीयता देंगे, तो इस मामले में लेकर जो है कई कई विवाद जो है वह शुरू से ही देखने को मिले हैं। तो 1951 में जो पहला विवाद आया उसमें जो है मूल अधिकारों को जो है मूल अधिकारों को जो है मान्यता दे दी गई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। इसमें जो हुआ राज्य के निर्देशक तत्व टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे ऐसी घोषणा की गई थी कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार ही जो होगा वह क्या होगा वह उसको अर्थात मान्यता दे देगी, उसको श्रेष्ठ मान लिया गया। ठीक, उसके बाद इसमें जो हुआ गोलकनाथ के साया चंपक द्वईराजम में जो मामला आया, चंपक द्वईराजम का जो मामला था 1951 में, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है इसमें ये हुआ था कि इसमें टाइपिंग एरर हो गया, इसमें क्या हुआ कि जब सर्वोच्च जो है इनमें जो हुआ जो विवाद हुआ तो विवाद जो है सर्वोच्च इसको मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर होता है, जिसमें क्या होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है वरीयता दे दी जाती है कि आप जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है राज्य के मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं। उसके बाद गोलकनाथ विवाद आया, बना पंजाब राज आया 1967 में, इसमें इस जो है वाद को जो है परिवर्तित कर दिया गया और उसमें कहा गया कि जो है आप जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते और इसको जो है पूर्व के जो जजमेंट रहे उसमें बदलाव कर दिया गया। उसके बाद आया है केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस में जो है यह प्रावधान किया गया कि आप जो है भारतीय जो है भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक, लेकिन संशोधन कर सकते हैं लेकिन इससे क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का जो है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान जो है किया गया। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो उनके जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 जो फंडामेंटल राइट के जो प्रावधान रहे हैं वो जो है अगर उनको लेकर और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की पॉलिसी को लेकर अगर टकराव होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है फंडामेंटल राइट जो होगा उस पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई। और इसके अलावा जो है अन्य केसों में जो है मूल अधिकार जो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जो है उसको जो है सुपरिटी दी गई या वरीयता दी गई या उसे जो है मान्यता दी गई या मान्य माना गया। उसके बाद आया मिनवा मीन्स जो विवाद आया था, मिनवा मीन्स
बाद जो आया उसमें भी क्या किया गया कि जो पूर्व के जो जजमेंट रहे उसी को ही वो दोहराया गया, और इसमें मूल ढांचे का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया ठीक, तो इसके तहत यह प्रावधान जो है शामिल रहा ठीक, जो केशवानंद भारती के रहा उसी को जो है रिपीट किया गया, और इसमें 23, 14, 19, 31 का प्रावधान किया गया कि 14, 21, 21 में अगर टकराव 14, 19 और 31 में जो है टकराव होता है जो फंडामेंटल राइट के तहत आने वाले जो अनुच्छेद 14 है, 21 है और 31 है, तो इनके तहत और इधर जो है फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के द्वारा अगर कोई प्रावधान किए जाते हैं बनाए जाते हैं तब ऐसी स्थिति में जो है 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन नहीं माना जाएगा ठीक, तब उस परिस्थिति में जो है राज के निर्देशित तत्व तो जो होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं जो जो विभिन्न जजमेंट रहे हैं ठीक, जो राज के नीति निदेशक तत्व तो और मूल अधिकार संबंधित विवाद रहे, ये क्या करते हैं एक संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में हमने राज के नीति निदेशक तत्व पर विस्तृत चर्चा की, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।